अल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको रिस्क का अमल बताने जा रही हूँ, सबसे पहले आपको एक हदीस मुबारका से शुरू करूंगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ऐबदार चीजें बेचे और इसका ऐब जाहिर ना करे, जो शख्स ऐबदार चीजों को बेचे और इसका ऐब जाहिर ना करे, तो हमेशा अल्लाह ताला का गजब इसके ऊपर नाजिल होगा और हमेशा फरिश्ते इसके ऊपर लानत करते रहेंगे। तो वास्तफार अल्लाह पाक हम सबको इस चीज की तनाव में रखे। जब भी आपको कोई ऐसा लगे या खौफ महसूस हो, तो फौरन 7 मरतबा आउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, तो इस मसले से आप दूर रहेंगे। आज जो मैं आपको रिस्क का वजीफा बताने जा रही हूँ, कि इंशाल्लाह आपके रिस्क में बेपना इजाफा होगा और आपकी तमाम परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी और आने वाली परेशानियों से आप महफूज रहेंगे। अगर आप किसी के पास जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो ये अमल करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो रिस्क का मसला है वो खत्म हो जाएगा। आपने पढ़ना क्या है, या मुग्नियु नीम याजब या नीम पेश गुख नूनजे यानी या मुग्नी या पेशू या मुग्नी यू या फिर या मुग्नी आपने ये पढ़ लेना करना है, ठीक है। इंशाल्लाह रिस्क में बेपना इजाफा होगा, तमाम मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आपके घर में परेशानी है, दखतंगी की वजह से परेशानी है, तो अपने घर में लड़ाई झगड़े ना शुरू करें। जिस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, गाली गलौज शुरू होती है, जुल्म सितम शुरू होता है, उस घर से अल्लाह पाक रिस्क को उठा लेते हैं। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।